रिसेंटली मैं एक अपने रिलेटिव के यहाँ पे गया था, तो जब बातचीत की और मेरे को जानने को मिला कि वो एक जगह पे पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। पिछले 20 साल से वो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के अंदर ही उनकी पोस्टिंग होती रहती है और उसके अंदर ही वो घूमते रहते हैं। ऐसे कई सारे लोग आपको अपने आसपास देखने को मिलेंगे, घर के आसपास, फ्रेंड सर्कल में, स्कूल में, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में, बहुत सारे। वो लोग वहाँ पे अटक क्यों जाते हैं? उन लोगों की क्यों, उन लोगों की प्रोग्रेस क्यों खत्म, क्यों फिनिश क्यों हो जाती है? पिछले 20 साल से यार बिलीव नहीं होता, ऐसा लग रहा है कि वो जब पैदा हुए ना तब उसके ऊपर स्टिकर लग गया होगा, मार्का लग गया होगा कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, इसको इस कंपनी के अंदर ही पूरी ज़िंदगी रहना है। भाई बच्चा निकाल लिया, आ जाओ दे दो, बड़ा कर दो सिर्फ। तो ऐसा होता है क्यों? क्या वो लोग सोचते नहीं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोचते ही नहीं है क्या? भैया इंसान हो, इंसान इंसान को सोचने की शक्ति दी गई है। इंसान कहाँ कहाँ चला गया, कहाँ कहाँ चढ़ गया चांद पे, कितनी उसकी वो क्या उसकी एक लिमिट ही नहीं है। तो क्या सोचने का ही नहीं है, एक जगह पे अटक ही जाने का है? अभी देखो मेरे गांव में ना एक पाव भाजी वाला है, वो पिछले 12-13 साल से वहीं पे सेम लारी उसकी, सेम उसका ठेला, सेम वहाँ पे सेम टेस्ट की पाव भाजी बनाता है, सेम कपड़े उसके हैं। अभी 1 साल पहले गया ना तो भी वो सेम ही था, ऐसा ही था। मुझे लगता है कि वो वहाँ पे अटक गया है। तो सोचना चाहिए, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है ना तो आप भी सोचो कि आप कहीं पे भी अटक तो नहीं गए ना। और कोई लोग तो ऐसे होते हैं कि उन लोगों को पता है, उन लोगों को सोचना आता है, बट वो लोग को सोचते हैं बट कुछ करते नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं इस कैटेगरी के अंदर। सब पता है कि ये करना है, इस यहाँ पे मैं करूँगा तो ये होगा, नहीं करूँगा तो ये नहीं होगा, फिर भी वहाँ पे ही पड़े। क्यों? शांति चाहिए भाई, वो रिस्क विस्क नहीं लेना, जो भी है चलने दो। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको सोचना आता है, कर भी लेते हैं, बट करते 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 आगे जाके उनका फोकस हट जाता है। एक बात याद रखना, आगाज तब तक मायने नहीं रखता जब तक उसे अंजाम तक पहुंचाया ना जाए। फिल्मी नहीं हो गया ना? तो कहने का मतलब ये है कि किसी चीज की आगाज करो ना तो उसको अंजाम तो कर दो, तो ही वो होगा ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग पहले से ही गिव अप दे देते हैं। उन लोगों के अपने दिमाग के अंदर है ना एक घर बना लिया है कि भैया मेरे से सिर्फ इतना ही होगा, मेरी कैपेबिलिटीज़, मेरा पोटेंशियल सिर्फ इतना ही है, यहाँ पे मेरा वो क्या फिनिश लाइन आ जाता है, मेरे से कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा मेरे से कुछ नहीं होगा। तो भैया उन लोगों के लिए सिर्फ मेरी एक ही सलाह है कि मेरे सब वीडियोज़ देखो। आपकी जो छुपी हुई, आपकी जो सोई हुई, आपकी जो मरी हुई कैपेबिलिटीज़, आपका पोटेंशियल है ना, वो डेफिनेटली उठ जाएगा। सो लाइफ से समझौता करना बंद कर दो, अपना प्रोग्रेस के बारे में सोचो, कुछ करो। एक चीज़ अचीव कर लिया ना, दूसरी अचीव करो, करते रहो। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करो सबके साथ, नीचे लिंक दी गई है। गॉड ब्लेस।